जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने बौद्ध धर्म दीक्षा दिवस का आयोजन किया। जनपद संभल के चंदौसी में आज अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क मालगोदाम रोड पर बौद्ध धर्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेश कुमार तथा संचालन चंद्र मोहन नीरज ने किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दीक्षा दिवस के रूप में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर सतीश प्रेमी ने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सदियों से जातिगत भावना से ग्रस्त दलितों को सामाजिक कुरूतियां तथा अत्याचारों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, परंतु आज भी समाज जातिगत भावना से अत्याचार जारी है। सतीश प्रेमी ने कहा कि पूरे प्रदेश में दलित समाज पर जातिगत भावना से अत्याचार हो रहे हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, प्रत्येक दिन बलात्कार डकैती हत्या के कारण जो केवल जातिगत भावनाओं से हो रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश और प्रदेश का नहीं हो सकता। संबल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। ये धम्म दीक्षा दिवस है आज 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने बचपन से लेकर के और 1956 तक जो तकलीफ सही वो दुख दर्द सहे, उन्होंने ये माना कि ये दुख दर्दों की जड़ ये धर्म है। और उन्होंने 1956 को 14 अक्टूबर नागपुर में 7 लाख लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया और ये माना कि बौद्ध धर्म ही इस देश को बचाने का काम करेगा। जो दुखों का तकलीफ़ों का है, जो दलितों का पिछड़ों का जो दर्द है, वो जब ही ख़त्म हो सकता है जब बौद्ध धर्म अपनाएंगे। क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, जिसे हम दीक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बावजूद भी 64 वर्षों में भी आज भी कोई बदलाव नहीं है। अगर उन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने जो धर्म की आड़ में तमाम राजनीति करते हैं, अगर उन्होंने अपने समाज को समझाया होता, उन्होंने ये चेताया होता कि भाई बाबा साहब ने जो निर्णय चेतावनी के रूप में दिया था, भले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके किया, लेकिन आज भी हमारी बहू बेटियों पर, बहन बेटियों पर, दलित समाज पर, पिछड़ों पर जो अत्याचार होते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मैं मानता हूँ बंद होने चाहिए थे, लेकिन आज भी कोई सबक हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने नहीं लिया। इसलिए आज हम पूरे देश, प्रदेश में और देश में 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध दीक्षा दिवस ली थी बाबा साहब ने, दीक्षा दिवस के रूप में परम पूज्य बाबा साहब के सानिध्य में हम ये मना रहे हैं और ये कोशिश करेंगे, अपने समाज को जगाने का काम करेंगे कि वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, चाहे वो रास्ता सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। क्योंकि बिना बाबा साहब के रास्ता अपनाए हुए भगवान बुद्ध ही इस देश को आतंकवाद से, मतलब तमाम क्षेत्रवाद से, भाषावाद से मुक्ति दिला सकते हैं। बाकी बौद्ध धर्म के अलावा, भगवान बुद्ध के अलावा कोई नहीं इस देश को जो बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, उसे धार्मिक और जाति हिंसा से बचा सके। हम बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें, बाबा साहब बताए हुए रास्ते पर चलें, यही आज का संकल्प है हमारा।